हम समझ जा रहा जरूर भेजा जाना चाहिए, शुड बी सेंट, भेजा जाना चाहिए, मस्ट बी सेंट, जरूर भेजा जाना, अवश्य भेजा जाना चाहिए। हम यह संदर्भ के अनुसार बना लेना। ट्रांसलेशन बहुत कठिन टॉपिक है सर, ये अनुवाद का टॉपिक है और अनुवाद करना 100% अनुवादक वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ, 100% अनुवादक करने वाला हो नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, हो नहीं सकता। 100% ट्रांसलेशन एक भाषा से दूसरे भाषा में 100% नॉट पॉसिबल, 100% ट्रांसलेटर पैदा नहीं होता, नहीं हो सकता। अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग शब्द हैं हर भाषा में, इसीलिए हम क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेट, इसीलिए सर नजदीक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, जरूर भेजा जाना चाहिए, जब अवश्य भेजा जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट है, जब से आप चुका 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 बोल रहे थे ना सर, ये चुका वर्ड जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑलरेडी लिया तो यूज करता है, कई बार क्या बोलते हैं सर ऑलरेडी दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड, दिस स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी बीन सेड, तो जब क्या लिखते हैं हैज ऑलरेडी बीन सेंट के लिए लिखेंगे सर हैज ऑलरेडी बीन सेंट, ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी बीन सेंट, इट हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड, सो हैज ऑलरेडी बीन सेंट के लिए पहले ही भेजा जा चुका, पहले ही भेजा जा चुका है, पहले ही भेजा जा चुका है। सो टिप्पणी लेखन में, टिप्पणी लेखन अगर